फाइव ट्रेंड्स देखेंगे हम लोग। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक पॉपअप मेनू खुलता है। इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि व्यू, शॉर्ट बाय, रिफ्रेश, ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आते हैं, यहाँ दिया गया है पहला व्यू। व्यू का मतलब इस आइकॉन जो दिया गया, इस आइकॉन को हमको किस तरह से देख सकते हैं, यानी व्यू में जाएंगे तो दिया गया लार्ज आइकॉन, लार्ज आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आइकॉन बड़ा हो जाएंगे। फिर यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे, फिर यहाँ से मीडियम करेंगे तो आपका जो आइकन मीडियम हो जाएगा। फिर राइट क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे, स्मॉल करेंगे तो आइकन जो दिया गया है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएंगे। राइट क्लिक करते हैं व्यू में तो तीन ऑप्शन दिया गया है, लार्ज, मीडियम और स्मॉल, यानी इतना ही दिया गया है। और चाहते हैं कि इससे अधिक करें, इससे ज़्यादा करें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बटन जो दिया गया है स्क्रॉल कर सकते हैं, इससे हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट दिया गया है व्यू में ऑटो अरेंज। ऑटो अरेंज के मतलब ये जो दिया गया है यहाँ पर मार्किंग दिया गया है, तो ऑटो अरेंज होता है कि हमारा जो आइकन जो होता है वो ऑटोमेटिक अरेंज होता है। जैसे हम इसको ऑटो अरेंज को रिमूव कर देते हैं तो इसके मतलब कि आप आइकन को कहीं भी हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं अपने अनुसार से, जहाँ रखना चाहे क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं भी इधर उधर बिखरा हुआ है, सबको हम ऑटोमेटिक अरेंज करना चाहते हैं, इसके लिए राइट क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे और ऑटो अरेंज दिया गया इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मेरा आइकन अरेंज हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, राइट क्लिक करते हैं, व्यू में जाते हैं तो दिया गया है आइकन जो दिया गया है वो दिया गया अलाइन आइकन टू ग्रिड, यानी इसके मतलब आइकन जो होगा एक ग्रिड में होगा। इसके मतलब देखेंगे कि एक यहाँ से एक कॉलम में है और एक रो में है, यानी एक ग्रिड वाइज है। हम इस आइकन को चाहते हैं कि यहाँ प्लस रख दें तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि एक आइकन जो है आप चाहेंगे यहाँ पर तो नहीं अरेंज हो पाएगा। यानी इसके पहले क्या करेंगे, राइट क्लिक करके ऑटो अरेंज को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब आप चाहिएगा कि हम यहाँ पे इसको रख दें तो अरेंज नहीं कर पाएंगे, यानी जब भी होगा तो एक, यानी एक रो में होगा या एक कॉलम में होगा। हम चाहते हैं कि एक ग्रिड को हम नहीं करने, तो इसको क्या करेंगे, आइकन ग्रिड को रिमूव कर देंगे। आप चाहते हैं कि आइकन को यहाँ रख सकते हैं, इसको यहाँ भी रख सकते हैं, यानी इसको यहाँ भी रख सकते हैं, यानी यहाँ भी रख सकते हैं, यानी कहीं भी रख सकते हैं। और वही एक रो में चाहिए, कॉलम में चाहिए, इसके लिए राइट क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे और आइकन को यहाँ से जैसे ग्रिड करेंगे तो ऑटोमेटिक वो जो होगा आइकन एक कॉलम और रो में क्या होगा, यानी अपना बदल जाएगा। देखेंगे एक रो में और एक कॉलम में होगा। नेक्स्ट राइट क्लिक करते हैं, व्यू में आते हैं, दिया गया शो डेस्कटॉप आइकन, यानी डेस्कटॉप पर जितना भी दिया गया सब आइकन शो कर रहे हैं। इस पर क्लिक कर देंगे तो डेस्कटॉप पर जितने आइकन हैं सब हाइड हो जाएंगे। फिर से देखना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे और शो पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके आइकन यहाँ पर सब शो हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, ऑटो अरेंज करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, शॉर्ट वाइज। शॉर्ट वाइज से होता है कि आइकन को हम लोग अरेंज कर सकते हैं इन नेम वाइज, साइज वाइज, आइटम टाइप या डेट का मॉडिफाई अनुसार से। नेम वाइज करेंगे तो हमारे जो होगा ये नेम के अनुसार से क्या होगा, ये सिस्टम का आइकन पहले आएंगे, उसके बाद यहाँ देखेंगे तो बहुत सारे जितना शॉर्टकट आइकन जो बनाए गए हैं, फाइल्स बनाए गए हैं, टोटल क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट आया दिया क्या है, रिफ्रेश। ये रिफ्रेश जो है सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए आता है। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, जिसे रिफ्रेश के लिए हम लोग F5B बटन प्रेस कर सकते हैं। देखेंगे कीबोर्ड में F5 होगा, प्रेस करेंगे यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया पेस्ट, शॉर्टकट, न्यू, डिस्प्ले सेटिंग, पर्सनलाइज जो दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर यू।